हेलो एवरीबॉडी, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट अनाउंस करते हैं, जो एसएससी सीएसएसएल से रिलेटेड अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद पिनेकल इसमें कैसे आप लोगों को तैयारी करवा सकता है या आप इसका पार्ट बन सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया है उसमें एसएससी ने क्या बोला है। सबसे पहले तो हमें एसएससी को मुबारकबाद देनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने में जब से नए चेयरमैन आए हैं खुराना साहब, उसके बाद से काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेंस कि जो एग्जाम में पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज हुआ है। किस सेंस में चेंज हुआ? एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और दूसरा कि टायर 1, टायर 2 और टायर 3 ये भी, और अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल में टायर 4, कुछ नए टायर एडिशन होने की वजह से जो धांधली चल रही थी, जो माइल प्रैक्टिसेस चल रही थी, उस पर काफी हद तक लगाम लगेगा और लगा भी है। और एसएससी एक प्रोफेशनल बॉडी बनी है और रिजल्ट डिक्लेयर करने में काफी ज्यादा तेजी दिखा रही है। हम चलते हैं सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में क्या क्या होगा। जो अभी नोटिफिकेशन आया सीएचएसएल, ये एग्जाम 2016 से रिलेटेड इसका बोला जाएगा, एसएससी सीएचएसएल 2016। हालांकि ये एग्जाम होगा 2017 में होगा, तो आप एग्जाम पॉइंट से ये सोच सकते हैं 2017, लेकिन इसका नाम है वो सीएचएसएल 2016 है। इसमें अभी आप अप्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली, और आखिरी डेट है अप्लाई करने की वो है 7 नवंबर 2016। आमतौर पे 80 लाख के आसपास पिछली बार अप्लाई किया था कैंडिडेट ने, तो इस बार भी 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास लोग हैं इसमें अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों है कि इतने ज्यादा संख्या में इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं? इनफैक्ट इंडिया में जो सबसे ज्यादा अप्लीकेशन किसी जॉब के लिए आती है तो वो सीएचएसएल, उसमें सबसे ऊपर नंबर आता है सीएचएसएल का। इसके पीछे एक ये है कि सारे लोग जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या आमतौर पर बैंकिंग वगैरह के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्लस टू लेवल पे सिर्फ एकमात्र अभी एग्जाम है जो कि इतना ज्यादा फेमस है और ज्यादा वैकेंसी निकलती है। पहले बैंकिंग के एग्जाम भी 10th बेस, जो आजकल टाइम में आईबीपीएस क्लरिकल कैडर है, उसका एग्जाम आज से 3-4 साल पहले वो 10th बेस पे होता था, फिर प्लस टू बेस पे हुआ एसबीआई का या आईबीपीएस का, और अब ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में सीएसएसएल भी ग्रेजुएशन बेस पे हो, लेकिन अभी फिलहाल ये जो एग्जाम है प्लस टू बेस पे ही होता है, और प्लस टू बेस पे नौकरी किसी को लेनी है तो यही एग्जाम है एकमात्र जो गवर्नमेंट जॉब आपको दिलवाएगा। एग्जाम डेट कब होगी? ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम डेट होगी जनवरी 7 जनवरी से लेकर, और वो फरवरी के शुरुआत तक, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक ये चलेगा। इसका मतलब कई दिन तक, कई शिफ्ट में एग्जाम चलेंगे, क्योंकि लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये अलग बात है कि 80 लाख अगर अप्लाई करते हैं तो 30 लाख तो एग्जाम देने भी नहीं जाते, लेकिन एप्लीकेशन जरूर 80 लाख होगी। और उसके बाद इसकी जो अगली स्टेज होगी, स्टेज टू, जिसको टायर टू भी बोला जाता है, वो बाद में होगी अप्रैल महीने में। इसका मतलब एसएससी को ये लगता है कि अगले 2 महीने वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, या 2 महीने से पहले डिक्लेयर करेगी, तभी तो वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है अप्रैल के मंथ में। और ये जो टायर टू एग्जाम होगा, हम आगे देखेंगे, ये सब्जेक्टिव होगा। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लो डिविजनल क्लर्क या कोर्ट क्लर्क, इन सब के लिए आप बोल सकते हैं क्लैरिकल कैडर के लिए, क्लैरिकल प्रोफाइल के लिए, जो भारत सरकार के उपक्रम है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो विभिन्न मंत्रालय है, डिपार्टमेंट्स है, उनके लिए ये वैकेंसी है। जो टेंटेटिव वैकेंसी है, क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कितनी वैकेंसी होगी,
अगर टेंटेटिव वैकेंसी की बात करूं मैं तो 3000 लगभग 5000 से ज्यादा वैकेंसी है, 5000 प्लस वैकेंसी, 5000 प्लस वैकेंसी होगी, जिसमें कि ज्यादातर जो वैकेंसी है वो पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड होगी, उसके बाद एलडीसी से रिलेटेड, डीओ से रिलेटेड और कोर्ट क्लर्क से रिलेटेड 26। जहां तक मैं समझता हूँ कोर्ट क्लर्क से रिलेटेड है वो जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए एसएससी रिक्रूट करेगा, वरना आमतौर पर हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट के लिए पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जो पर्टिकुलर स्टेट्स होता है, जैसे हरियाणा में हरियाणा से रिलेटेड जो हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट वो रिक्रूट करते हैं। ऐसे हर राज्य के अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन जो दिल्ली की रिक्रूटमेंट है या जो यूनियन टेरिटरी है उसकी रिक्रूटमेंट है या एसएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई होगी, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 26 है। तो ज्यादातर वैकेंसी होगी वो पोस्टल डिपार्टमेंट होगी। आने वाले टाइम में पोस्टल डिपार्टमेंट भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो वो बैंकिंग के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, पोस्टल भी बैंकिंग के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, या बोल सकते हैं कि ये 100%, क्योंकि अभी इसका कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है इक्विटी का, तो 100% ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन अभी बैंक है, उसमें वैकेंसी है और ये काफी मॉडिफिकेशन फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में जा रहा है पोस्ट ऑफिस। एलडीसी डीओ जो कि आमतौर पर हमेशा इसकी वैकेंसी रहती है विभिन्न मंत्रालयों के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए वो वैकेंसी है इसमें। एज लिमिट, और मुझे लगता है ये वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि एलडीसी और डीओ की वैकेंसी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, और आमतौर पर एलडीसी और डीओ की वैकेंसी भी काफी हो सकती है, 5000 से लेकर 6000 तक ये हो सकती है, तो वैकेंसी बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट है वो अपने आप में एक अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग फॉर्मेट में अभी वो ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है। एज लिमिट, एसएससी की जितनी भी पोस्ट होती है वो उसकी एज लिमिट 18-27 होती है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स रिलैक्सेशन, एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, ये उसका पैटर्न होता है, ये उसका पैटर्न होता है। हालांकि एसएससी सीजीएल की जो एज लिमिट है इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे केस भी चल रहे हैं कोर्ट में और अभी एक फैसला भी आया था पीछे जिसमें कि एज लिमिट है, क्योंकि ग्रेजुएशन सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन 18 ईयर्स में होना बहुत मुश्किल काम होता है, तो 18-27 सीजीएल के लिए एज रखना कोई मतलब नहीं निकलता, ये एज वहां पे 20 या 21 से 30 होने की संभावना होगी। इस बार थोड़ा चेंज आने की होगी 2000 एसएससी सीजीएल से, लेकिन प्लस टू वाले में 18-27 ही मानकर चलिए, और ओबीसी और एससी या बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल वो अपने हिसाब से देखें। पूरी जानकारी आपकी एज से रिलेटेड किसको कितनी रिजर्वेशन के अनुसार होगी, स्पेशली एक्स सर्विसमैन या बाकी लोग, वो पूरा नोटिफिकेशन है एसएससी की वेबसाइट पे या हमारी वेबसाइट पे भी, www.ssccgilclinical.com, वहां पे भी आप देख सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन पूरी डिटेल। यहाँ में हम लोग सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि जिन लोगों की एज 2 जनवरी 1919 से लेकर 1 जनवरी 1999 तक अगर ऐसा आ रहा है उनके बीच में तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी ओबीसी 3 ईयर्स और एससी 5 साल के लिए हमेशा होता है। अब आता है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए और वो कब तक चाहिए। आपकी प्लस टू का सर्टिफिकेट 1-1-2017 मतलब कि नए साल में आपके पास वो सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, आपकी चाहे वो बोर्ड का हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे डिप्लोमा हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होते, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको साथ में एक पेपर देना होता है प्लस टू को इक्विवेलेंट करने के लिए, वो जरूर दें अगर किसी ने नहीं दिया। आमतौर पर जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां एक पेपर होता है हिंदी का, अगर वो देते हैं तो वो प्लस टू के इक्विवेलेंट होते हैं, या वो आपको बता दें जहां से आपने किया है कि मैं प्लस टू हूँ के इक्विवेलेंट हूँ या नहीं हूँ। तो ये मत समझे सभी डिप्लोमा होल्डर है वो प्लस टू के इक्विवेलेंट हो गए, थोड़ा इसमें पेंच जरूर है,
वो देख लें कि वो उसने एक साल का कोर्स किया है, दो साल का कोर्स किया है, या डिप्लोमा किस तरह का डिप्लोमा किया है, क्या इक्विवेलेंट है या वो नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है, अगर वो नहीं हो सकता इक्विवेलेंट तो जरूर वो ओपन से करने की कोशिश करे, प्लस टू उसके पास जरूर होनी चाहिए, ये उसको फायदा करेगी आने वाले टाइम में भी। हाउ टू अप्लाई, applications must be submitted only in online mode. जैसे कि आज के टाइम में जितनी भी एप्लीकेशन होती है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, obviously उसको बताने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन मोड में होती है, और ये SSC वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपना वो कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो प्रेफरेंस वो कैसे भरे। आमतौर पर एक बार सिलेक्ट होने के, जब आपका फाइनल राउंड होगा उसमें पूछा जाएगा कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भरनी है, तो वो एक अलग बात है, वहां पे अभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, अभी ये पूछा जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपकी प्रेफरेंस, इसमें क्या है जो हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसमें क्या है। तो आप इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे पे स्केल के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे कि आपको प्रेफरेंस कौन सी भर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम कैसे होगा। तो 7 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में जो एग्जाम चलना है, और उसमें आपका कहां पे कब नंबर आएगा, लगभग 75 दिन आपके बाकी हैं, 75 to 80 days लगभग आप बोल सकते हैं कि ढाई से तीन महीना आपके पास समय है एग्जाम में। तो इसमें जैसे अभी SSC CGL का एग्जाम हुआ था, 100 क्वेश्चन थे उसमें और 75 मिनट थी, तो सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड होगा, ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और ऐसे ही है वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब स्टैटिक जीके है, ज्यादातर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या फिर जो जीके से रिलेटेड होता है, कौन सी चीज कहाँ पे है वो, या एक दो तीन क्वेश्चन है करंट से आ सकते हैं, करंट से ज्यादा आमतौर पर SSC में आता नहीं है, तो ज्यादा करंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं होती SSC में। ऐसे ही अगर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, कई बार जो टर्मिनोलॉजी SSC यूज करता है वो बड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है जो एक्चुअल में सिलेबस है उसकी तुलना में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक स्किल्स, हालांकि आमतौर पे क्या होता है कि अर्थमेटिक में जो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री अलजेब्रा वो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, SSC के अनुसार वो सारे इंक्लूड कर रहा है SSC, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हम थोड़ी देर सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर और टिप्पणी करूंगा मैं। तो टोटल इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच सेक्शन और 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर ठीक होता है तो आपको दो नंबर मिलेंगे। डिफरेंट बैचेस में आपके एग्जाम होंगे। अब आता है सिलेबस की तरफ देखते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 12 क्वेश्चन के आसपास जो आते हैं वो तीन चैप्टर से आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज और एनालॉजी। ये तीन चैप्टर है वो आमतौर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मिसिंग नंबर, फिर जो फिगर से रिलेटेड होंगे 3-4 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। अगर आप इस सिलेबस को देखने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारी भ्रांति नजर आएगी आपको। बेटर यही है कि आप जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को देखें, वो आपको एग्जैक्ट जानकारी देने की कोशिश करें। वेन डायग्राम के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उससे आ सकते हैं। ये ऐसे अगर सिलेबस आपने देखने की कोशिश की ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर यही होगा कि आप सिलेबस को देखने के लिए पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखें, वो आपको एग्जैक्ट जानकारी देगा कि वो एक्चुअल में SSC है, वो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग वो किसको बोल रही है, एम्बेडेड फिगर किसको बोल रही है, नंबर सीरीज किसको बोल रही है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चन है वहां पे होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होगा, ये सिलेबस जो SSC ने दिया वो है।
ऐसे ही इंग्लिश से अगर बात करें, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंडोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idiom phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct and indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage. एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक्टिव पैसिव और नरेशन भी इसमें इंक्लूड है. अगर हम आमतौर पे देखें एसएससी में ये टायर होने आते नहीं है कभी भी, लेकिन 2014 का जो ये पेपर हुआ था सीएसएसएल का, उसमें इनको इंक्लूड किया गया था. तो ऑब्वियसली सिलेबस में है और आते नहीं है आमतौर पे, लेकिन एक बार जरूर आया है. तो क्या इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए. और पिनेकल हमेशा टायर वन में ही जरूर करवाता है एक्टिव पैसिव और नरेशन, ताकि बाकी जो ग्रामर है उस पर कमांड बने, स्पेशली स्पोर्ट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या बाकी जो है उनका कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली लिंक जरूर है. तो आप जरूर करें. हो सकता है पिछले साल का पेपर देखो आपको ज्यादा नजर ना आए ये चीजें, लेकिन इसमें सिलेबस में और आने की संभावना, क्योंकि आज के 2014 के जो हमने पेपर देखे तो उसमें है. फिर आता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की जानकारी. अर्थमेटिक का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, ये नहीं है. बाकी चीजें जो चारों, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंशन, ट्रिग्नोमेट्री, एसएससी कभी भी ये मेंशन नहीं करता कि एडवांस मैथ आता है. ये जो एडवांस मैथ वाला जो कॉन्सेप्ट है कोचिंग सेंटरों की टर्मिनोलॉजी है, एसएससी की टर्मिनोलॉजी नहीं है. तो जो एडवांस मैथ है आमतौर पे हम लोग उसको बोलते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंशन, और ये बेसिक होता है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता. अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें बहुत मुश्किल क्वेश्चन करने में, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते. और ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बहुत मुश्किल क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा, आप अपना टाइम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं उल्टी सीधे कामों में. आमतौर पर स्टूडेंट को भ्रांति ये होती है कि बहुत ज्यादा मुश्किल प्रैक्टिस करेगा वो क्वेश्चन करेगा तो उसके ज्यादा नंबर आएंगे. ऐसा आज तक कभी, पिछले कई सालों से हम तैयारी करवा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है. आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रेलिवेंट क्वेश्चन में गलतियां कैसे स्टूडेंट कर देते हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना होगा. रेलिवेंट क्वेश्चंस पे आपको ट्रिक्स और आपकी स्ट्रेटजी है उस पर बहुत शार्प होनी चाहिए, वो आपको ज्यादा सक्सेस दिलाएगा. अननेसेसरी उल्टे सीधे क्वेश्चन करने से आपको कहीं फायदा नहीं करेगा. और इसलिए स्टूडेंट को ज्यादा फोकस कि एसएससी पूछती क्या, एसएससी पे कमांड होना, एसएससी के मैथ पे कमांड होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बजाय कि आपका कमांड है वो मैथ पे. मैथ और एसएससी का मैथ दोनों बातों में फर्क है. यहां पे प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं. अननेसेसरी दुनिया भर की चीजें सीखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप यही एग्जाम दे रहे हैं तो. ये आप कम समय में कर सकते हैं अगर आप रेलिवेंट करने की कोशिश करते हैं और उसी पे फोकस करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा आएगा और आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आप अपना टाइम बाकी जगह पे लगा सकते हैं. और अगर मैथ की बात कर रहे थे तो ये जो पोर्शन है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंशुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये 25 क्वेश्चन में से लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास होंगे, ये इतने आएंगे. और 5 क्वेश्चन का आमतौर पर ये जो ग्राफ है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, उसमें से 5 नंबर है. तो आप बोल सकते हैं कि 7-8 नंबर का या 10 नंबर के आसपास है बाकी पोर्शन होगा इनके अलावा. तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें कि किस पे कितना फोकस करें. आपको जो अगर आप इसको एडवांस मैथ बोलना चाहते हैं कोचिंग सेंटर्स की जो टर्म है, या एसएससी इसको अर्थमेटिक बोल रही है, तो आप अपने हिसाब से देखें. लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. आप बोल सकते हैं जिनको एसएससी की तैयारी करनी है उन पे, उनको अगर मैथ सीखना है तो इन पे बहुत अच्छी कमांड होना जरूरी है. एक्चुअल में एसएससी का मैथ का मतलब यही मैथ, 4 टॉपिक है वही होगा, बाकी चीजें इतनी मुश्किल नहीं होगी. और ये भी मुश्किल नहीं है अगर आप फोकस करें और एसएससी पे ही ध्यान दें तो. अब आता है जनरल अवेयरनेस. बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल स्टडी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी. एग्जाम में जो बोर्ड या कमीशन जिस टर्मिनोलॉजी को यहां पे रखता है और पिछले साल के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपको लिंक देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, न कि आप डिक्शनरी का ज्यादा फॉलो करना स्टार्ट करें. तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस है एसएससी बोल रही है उसमें करंट का रोल नहीं है.
करंट के ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम दो या तीन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन करंट का कभी एसएससी ने ये नहीं बोला कि एक महीना दो महीना पीछे तीन महीने या चार महीने का, आमतौर पर हो सकता है पांच साल को भी वो करंट मान रहे हो, ऐसा भी हुआ है, और जिसको आप करंट मान रहे हो उसको करंट नहीं मान रहे हो। तो ज्यादा बेटर ये होगा आप स्टैटिक जीके पर आप फोकस रखें, और बहुत थोड़ा बहुत अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा एसएससी की तैयारी करने के लिए अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं रिकमेंड करते हैं द हिंदू, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है हिंदू के ऊपर ज्यादा फोकस न करें, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी करें, तो आपको हिंदू हेल्प कर सकता है, एसएससी के लिए कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। एसएससी का पैटर्न बहुत ही फिक्स है, और उसको पैटर्न को ही आपको फॉलो करना है, उसी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो अगर हम बात करूं जनरल अवेयरनेस की, हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जीके, जीके का मतलब कौन सी जगह कहाँ पे है, कि ये किताब किसने लिखी, ये ट्रॉफी का संबंध किससे है, इस खेल का स्टेडियम कहाँ पे है, और करंट, इससे 25 क्वेश्चन होंगे। अब पॉलिटी से हो सकता है तीन चार क्वेश्चन हो, बायोलॉजी से तीन चार क्वेश्चन हो सकते हैं, चार पांच, केमिस्ट्री से दो तीन क्वेश्चन, फिजिक्स से दो तीन क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड भी तीन चार क्वेश्चन हो सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन हो सकते हैं, जीके से रिलेटेड दो तीन, और दो तीन इससे, ऐसे करके ये आपका पैटर्न बनेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, और जीके में आपको जल्दी से इंप्रूवमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जो कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन में मेरिट में फर्क काफी हो सकता है, आपको 140 प्लस स्कोर करना है, प्रोवाइडेड कि जो पेपर एसएससी सीजीएल टायर वन का 2016 में आएगा वैसे पेपर आया था, वैसे पेपर आने की संभावना है, और उसमें अगर आप 140 के आसपास स्कोर करते हैं तो इसका मतलब जॉब की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं 2200 में से इतने स्कोर है आपको करना पड़ेगा। हो सकता है जो कट ऑफ का मामला है जहां तक आए 120 या इसके आसपास हो, क्योंकि अगला पेपर टायर टू का भी है और एसएससी को कुछ बंदे बाहर निकालने हैं टायर टू और टायर वन के दौरान और टायर थ्री के दौरान, तो ऑब्वियसली 110 120 के आसपास जो कट ऑफ होगा। आमतौर पे जो सीएचएसएल है उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, और जो एसएससी सीजीएल है उसका कट ऑफ है कम होता है। इसके पीछे ये है कि उसमें ज्यादा स्टेप होते हैं एसएससी सीजीएल में, और इसमें स्टेप नहीं होते ज्यादा, नंबर वन। नंबर टू कि एसएससी सीजीएसएल में ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं सीजीएल की तुलना में, क्योंकि ये प्लस टू बेस पर हर तरह के लोग अप्लाई करते हैं, पीएचडी भी अप्लाई करते हैं, एमएससी भी अप्लाई करेंगे, एमटेक भी अप्लाई करेंगे, बीटेक अप्लाई करेंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले करेंगे, फुल टाइम वाले करेंगे, रेगुलर करेंगे, जिनकी जॉब लगी है वो भी करेंगे, जिनकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी करेंगे, हर तरह के लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है 110-120 की रेंज में आपको नजर आए, लेकिन 140 जो अल्टीमेट जॉब आपको दिलाएगा दो तीन राउंड क्रॉस करने के बाद में, जिसमें राउंड थ्री भी होगा टाइपिंग और स्किल टेस्ट से रिलेटेड, उसके बाद 140 प्लस आपको ध्यान में रखना चाहिए कितना स्कोर आपका आए। और 140 करने के लिए आमतौर पे जो आपको रेंज बनानी है, मैथ का अगर 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए तो आमतौर पे आपको 23 से ऊपर करने होंगे, और ऐसे रीजनिंग में 23 से ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट 25 में से 25 करेक्ट कर सकते हैं, 25 में से रीजनिंग के 25 करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको इस रेंज में जरूर होना चाहिए। फिर इंग्लिश में आपको 20 प्लस आपके करेक्ट होने चाहिए, 18 प्लस हमेशा होने चाहिए, और 10-12 क्वेश्चन आपके अगर इसमें करेक्ट होते हैं तो आपको उस स्कोर तक ले जाएगा, ये उस स्कोर तक ले जाएगा, ये रेंज आपकी होनी चाहिए। मतलब कि 30 अगर मार्क्स की बात करूं मैं तो 45 मैथ, 45 प्लस इंग्लिश, 85 टू 90 के बीच ये रीजनिंग है, 85 टू 90 के बीच में मैथ और रीजनिंग में होना चाहिए, 85 और 90 के बीच में, इससे ज्यादा होना चाहिए, ये पॉसिबल है, आमतौर पर स्टूडेंट कर सकते हैं स्कोर जिनके अच्छी प्रैक्टिस है। और 30 प्लस टोटल में से आपके इसमें होने चाहिए, और 20 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं जीके में। बहुत ज्यादा जल्दी स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो पहले तीन सब्जेक्ट हैं उन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए,
कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो जीके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अंधाधुंध, और मैथ और रीजनिंग है वो ज्यादा स्कोरिंग होती है, पूरे नंबर आ सकते हैं, उनकी तरफ बाद में ध्यान देते हैं, देते नहीं है, तो वो एग्जाम से पहले आउट हो चुके हैं। तो बेटर ये है कि आप मैथ कंप्लीट करें पहले, आप साथ साथ सारी चीजें कर सकते हैं तैयारी, लेकिन उनमें पूरा स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है, ये तो था टायर वन का डिस्कस किया था हमने, और टायर टू से रिलेटेड हम बात करें तो वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है, आपका ज्ञान है उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, अब आपके ज्ञान की टेस्टिंग नहीं है, नॉलेज की टेस्टिंग नहीं है टायर टू में, अब आपकी टेस्ट होगी स्किल टेस्ट। और ऐसा क्यों लिया जा रहा है, एक मेल प्रैक्टिस को रोकने के लिए एग्जाम सिस्टम से, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राइटिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। जो क्लेरिकल कैडर है उनको बहुत सारे नोट्स बनाने होते हैं, नोटिंग बनानी होती है, ईमेल डालनी भी होती है आजकल, अगर उनको ईमेल डालनी नहीं आ रही है, लेटर लिखना नहीं आ रहा है, कोई पैराग्राफ लिखना नहीं आ रहा है तो काफी एम्बेरसमेंट हो सकती है जो उनका सीनियर है उनकी हो सकती है, डिपार्टमेंट की हो सकती है। हम देखते हैं कई बार कि बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो अगर करते हैं बार बार तो दिक्कत आ सकती है। तो एक राइटिंग की स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, ऑफिसर के लिए या क्लेरिकल के लिए, हर तरह के लोगों के लिए। तो इसलिए एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया राइटिंग स्किल्स। ध्यान रखिए, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ज्यादा आपकी राइटिंग का स्किल्स है। किसी को बहुत अच्छा नॉलेज है कोई जरूरी नहीं उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, राइटिंग मतलब लिखावट, सुंदर लिखाई नहीं कि वो लिख सकता नहीं लिख सकता, कि इस टॉपिक पे वो सोचना है उस दिशा में सोच सकता नहीं सोच सकता। और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने एवरेज है कोई, लेकिन वो बहुत अच्छी राइटिंग आर्ट है उसके पास में, ऐसा हो सकता है। तो ये इंप्रूव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको नॉलेज बढ़ाकर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी इससे लेकर। तो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और ये आपको पेन और पेपर मोड में होगा। इस पेपर का ड्यूरेशन 1 घंटे का ये पेपर होगा, 1 आवर ड्यूरेशन होगा, जिससे कि कैंडिडेट की राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। पेपर है वो, उसमें ऐसे राइटिंग आ सकता है 200 से 250 वर्ड्स में, फिर लेटर अप्लीकेशन राइटिंग आएगा 150 से 200 वर्ड्स में, जैसे आपने स्कूल में जो चीज करते थे या दोबारा करनी है वो। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो लगभग वो उसमें होगा 33%। इसका मतलब कि अगर किसी की गंदी राइटिंग है और उसने टायर वन में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो वो ऑब्वियसली आउट होगा, क्योंकि मिनिमम परसेंटेज है वो क्रॉस नहीं है उसकी। तो मिनिमम परसेंटेज स्कोर करना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस इन टायर टू वुड बी इंक्लूडेड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट। ध्यान रखिए, टायर टू है, अगर आप उसमें 70+ स्कोर करते हैं जो कि पॉसिबल है, और टायर वन में 140+ करते हैं स्कोर, जैसे मैंने बताया था 140+ चाहिए था उसमें, तो इसमें 70+ के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो आपका 210 स्कोर होगा, इस रेंज में आपको जॉब मिलने की संभावना पड़ेगी। फिर अगर आप 70 से नीचे आते हैं तो इसका इसमें ऊपर आने चाहिए आपके, और लेकिन अगर आप इसमें 33 से नीचे आ गए तो इसमें आपके 190 है तो भी आपके 0 है। बेटर ये है कि दोनों को बैलेंस रखें, लेकिन ये बाद की बात है, पहले आपको इस पर बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको नेचुरल स्किल्स भी आपकी अगर है तो बहुत ज्यादा रोल अदा करेगी। इसके अलावा हम एक स्पेशल कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाउ टू राइटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसमें वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, वो आप उसमें जरूर देख सकते हैं। फिर है, और ये पेपर आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल्स होगी वो हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है। तो एक चीज और है, जिसकी हिंदी में अच्छी होती है उसकी इंग्लिश में भी अच्छी होती है, इंग्लिश में अच्छी होती है हिंदी में भी अच्छी होती है। आपको जो ये खिचड़ी बनती है इसमें हिंदी, जब आप हिंदी राइट करें तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है बीच में वो आप इतने ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि आप इंग्लिश नहीं कर सकते। अगर बेटर ये है कि आप फिर इंग्लिश में लिखें, अगर आप हिंदी ठीक से नहीं लिख सकते, आमतौर पर हिंदी को लिखना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आजकल हम लोग ज्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हैं, और उसमें फिर हिंदी को एक अच्छे ढंग से लिख देना इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर आप बेटर इंग्लिश में हैं या रीजनेबली ठीक है इंग्लिश में, तो इंग्लिश को ही ऑप्ट करने की कोशिश करें शुरू से। और मेरा ये सजेशन है आपको कि अगर आप कंफर्टेबल है हल्का सा भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम को ही चूज करने की कोशिश करें, इसके बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना होगी। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इंग्लिश विल नॉट बी इवेल्युएटेड, मतलब इंग्लिश के टर्म बीच में नहीं डाल सकते आप हिंदी के। जैसे बहुत सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, वो हिंदी इंग्लिश को एक जैसा ही मानकर बैठते हैं, ऐसा नहीं है,
ये कॉम्पिटिशन इंग्लिश होगी, प्रॉपर इंग्लिश हिंदी होगी, प्रॉपर लिखनी पड़ेगी अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं, वरना आप इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए। फिर आता है टायर थ्री, इसमें होगा स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट। ये स्किल टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट यहां पे जो डीओ के लिए होगा वो स्किल टेस्ट हो रहा है। स्किल टेस्ट में आपसे जैसे एक्सेल है या पावर पॉइंट है उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती है, और टाइपिंग टेस्ट जो कि एलडीसी के लिए होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड हिंदी मीडियम में अगर आप लिख टाइपिंग करते हैं तो 30 और इंग्लिश में करते हैं 35 वर्ड्स पर मिनट ये होनी चाहिए आपकी, 35 वर्ड्स इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स। एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि स्किल टेस्ट को क्रॉस करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि एक्सेल वगैरह आप 2-4 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट होता है स्किल के अलावा, क्योंकि टाइपिंग भी एक स्किल है लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग ही करनी है तो ये क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट ये गलती करते हैं, उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है और उनको लगता है कि हम तो एक महीने में फिर अच्छी तरह से सीख लेंगे टाइपिंग। टाइपिंग इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, एक्चुअल में ये सबसे बड़ी गलती उनकी होगी। सबसे बड़ी गलती टाइपिंग को लाइट ले लेना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ये देखे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी टायर वन टायर टू में या इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, लेकिन टाइपिंग में ओवर कॉन्फिडेंस या इस पर लापरवाही कैजुअल एटीट्यूड की वजह से बाहर हो गए, चाहे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड कलर को, चाहे एलडीसी से रिलेटेड हो या डीओ से रिलेटेड हो या इस तरह के और किसी एग्जाम से हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 महीने पहले, 3 मंथ्स पहले, ज्यादा हो तो कोशिश करें 6 मंथ पहले आप अपनी टाइपिंग की कोचिंग स्टार्ट कीजिए या घर पे कीजिए, जब भी आपको करना है। टाइपिंग मास्टर जहां भी आपको मिले वहां पे आप कर सकते हो या कोई और सॉफ्टवेयर देख सकते हो जो आपको ठीक लगे, लेकिन आपके पास टाइपिंग से रिलेटेड है वो सुविधा होनी चाहिए। और मैं हाईली एडवाइज करूंगा कि आप इसके लिए कोचिंग, इसकी बहुत सस्ती होती है, वो ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे भी आपको मिले आपके आस पड़ोस में, इससे आपका रूटीन बनेगा। फिर आता है आगे, अब ये हमने डिस्कस किया अभी तक कि क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसका एग्जाम कब होगा, कितनी स्टेजेस में एग्जाम होगा, किस स्टेज के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज है, और 75-80 डेज जो बचे हुए हैं अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसकी तैयारी कैसे करें। और बीइंग एज ए कोचिंग सेंटर, पिनेकल एक कोचिंग सेंटर है, प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर है, कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर है, ये फ्री का चैनल नहीं है, आपके लिए बहुत ही क्लियर मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आमतौर पर देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारे फ्री आपको नजर आएगा, लेकिन पिनेकल फ्री नहीं है। ये प्रोफेशनल चैनल है जिसमें कि कंटेंट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग काम करते हैं, बहुत 50 से ज्यादा स्टाफ इस पे, इस प्रोग्राम के जो पीछे आप तैयारी कर रहे हैं उसके पीछे लगेंगे, गाइडेंस के लिए, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, वीडियो फॉर्मेशन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, और ये एक्सपर्ट है इसका, हम लोग इस पे एक्सपर्ट है, काफी सालों से तैयारी करवा रहे हैं। तो ये वो लोग नहीं है जो कि खुद भी तैयारी कर रहे हैं और आपको भी तैयारी करवा रहे हैं, खुद भी टेस्ट दे रहे हैं आपको भी तैयारी करवा रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड है जिसने कोई अपना चैनल खोल दिया, ऐसा नहीं है। आप इसमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको लगता है वैल्यू एडिशन होगा इसमें, या आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं आपको वैल्यू एडिशन 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने एक इसके लिए लॉन्च किया है जॉब अश्योर प्रोग्राम, और जॉब अश्योर प्रोग्राम है वो CHSL के लिए। आमतौर पर हमारे जो एक ब्रांड है हम लोग इससे रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जॉब अश्योर। इसका मतलब क्या है, जॉब अश्योर से रिलेटेड का, जॉब अश्योर का मतलब होता है कि डे वाइज एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर प्रोग्राम जिसमें स्टडी मटेरियल से लेकर वीडियो लेक्चर से लेकर टेस्ट सीरीज से लेकर गाइडेंस और हर चीज का बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, और आपको सारी जो फैसिलिटी है कोचिंग के लिए चाहिए होती है वो मिलती है। तो जॉब अश्योर का मतलब ये, और जॉब अश्योर किस किस से रिलेटेड है, जॉब अश्योर टायर वन, जॉब अश्योर टायर टू, जॉब अश्योर टायर थ्री, CHSL, जॉब अश्योर CHSL, ये सारे प्रोग्राम इस नाम से चलते हैं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जॉब अश्योर टायर वन ज्वाइन किया हुआ है या जॉब अश्योर टायर टू ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टायर टू ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ही ये जॉब अश्योर CHSL प्लस टू के लिए है, ये प्लस टू वाला एग्जाम है उसके लिए है, और इसमें
ये कॉम्प्रिहेंसिव डे वाइज प्रोग्राम होगा, हर दिन का सिलेबस होगा। आप अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो अगले 75 और 80 डेज में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आपके पास 5-6 घंटे हैं, या ये क्यों इसलिए हम लोग डिजाइन करते हैं डे वाइज, वो इसलिए डिजाइन करते हैं कि आमतौर पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, या तो किताबें इकट्ठे करते रहते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किताब इकट्ठी करने से ही अगर किसी का सिलेक्शन होता तो जो बुक सेलर है उसके पास सारी किताबें होती है। आमतौर पर स्टूडेंट का काम क्या करते हैं कि किताब इकट्ठी करते, पढ़ते नहीं, या वो सिर्फ कट ऑफ में उलझे रहते हैं। दूसरी काम कि वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। अगर आप एक एसएससी से रिलेटेड कोचिंग सेंटर अगर एसएससी की तैयारी करने के लिए ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात होगी, इससे आपका रेलेवेंट कोचिंग मिलेगी। अगर आप उस कोचिंग सेंटर में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आमतौर पर बहुत सारी जगह पर ऐसा कम देखा गया है, वो खिचड़ी बनाकर रखते हैं, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। और जो स्टूडेंट आमतौर पर जो कोचिंग करते हैं वो नए होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया होता नहीं है कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लेकिन इस केस में जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड ही है ये प्रोग्राम, और हम लोग जो कंटेंट और सारी चीजें करते हैं वो सब जानते हैं कि एसएससी से रिलेटेड ही हम लोग है, उस पर फोकस करते हैं। तो जो टायर वन का है वो 15 अक्टूबर से इसकी ये सीरीज स्टार्ट होगी जॉब अश्योर की, और उसमें सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। अगर इसका थोड़ा और एक्सप्लेन करूं मैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होगा जिसमें कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जो 4 पोर्शन होते हैं वो कवर किए जाएंगे। हर टॉपिक इसका कवर किया जाएगा, इसमें वीडियो लेक्चर्स होगा हर टॉपिक का, वीडियो लेक्चर के साथ में जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी, और स्टडी मटेरियल होगा पीडीएफ फॉर्मेट, डिटेल स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं मैथ का तो लगभग 700-800 पेज। अगर ये सारा स्टडी कंटेंट फॉलो करते हैं, आपको कोई भी किताब या किसी कोचिंग की इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि बहुत ही डिटेल में और सारी चीजों को ध्यान में रखकर और रिसर्च करने के बाद में कंटेंट डिजाइन किया गया है कि क्या इसमें ज्यादा चीजें आ सकती है। और एक चीज और बता देता हूं कि एसएससी आमतौर पर पिछले साल के प्रीवियस ईयर के चीजों को फॉलो करती है, क्वेश्चन को भी फॉलो करती है, रिपीट भी करती है, और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हमने इंक्लूड इसमें किया होता है। फिर स्टडी मीटर हुआ, वीडियो लेक्चर हुआ, डे वाइज टेस्ट, जैसे आपने आज वीडियो देखा उस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नंबर है उसका स्टडी मीटर पढ़ा, प्रैक्टिस की उसके ऊपर, और फिर अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए यूनिट टेस्ट टेस्ट पोर्टल पे, जो sscclpinnacle.com का टेस्ट पोर्टल है, वहां पे जाकर आप टेस्ट दीजिए और पर्टिकुलर टाइम में देखिए कि क्या परफॉर्मेंस आपकी आ रही है। जब आप यूनिट टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने आप को बेटर ढंग से इवेल्युएट भी कर पा रहे हैं कि मैंने जो आज तैयारी की है जिस चैप्टर की वो ठीक से हुई है या नहीं हुई। तो डेली टेस्ट होते हैं इसमें। डे वाइज प्लान होगा, सिलेबस, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, डेली यूनिट टेस्ट एज पर डेली सिलेबस, हाईली एंगेज्ड, मोटिवेटेड एंड गाइडेंस प्लान ऑफ डेली 5-6 आवर्स। अब अगर आप कोई कोचिंग नहीं करते हैं या सिर्फ किताबें पढ़ते हैं तो आपके सामने चैलेंज क्या आता है कि मुझे आज क्या करना है, वो चीजें क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आज ये एक आपको करना है तो आपका बहुत सारा टाइम जो सिर्फ सोचने में चला जाता था वो अब एक्शन प्लान में जाएगा, करने में जाएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप कोई चीज करते हैं आप तो आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई होता है। जब आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, कब करना है, तो उसमें टाइम निकलता रहता है, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, और घर वाले पूछते रहेंगे कि अगर ये इसमें ठीक से तैयारी नहीं हो रही तो कोई प्राइवेट जॉब कर ले, या फिर शादी की बात आने स्टार्ट हो जाएगी। रिड्यूसिंग नॉन परफॉर्मेंस एक्टिविटी एट मिनिमम और जीरो लेवल, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट, फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट फॉर न्यू पैटर्न। इसमें सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके कवर होंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, वीडियो लेक्चर्स हो, स्टडी मटेरियल हो, डे वाइज प्लान हो, गाइडेंस हो, स्ट्रेटजी हो, या नॉन परफॉर्मेंस एक्टिविटी को रिड्यूस करना हो, सारी चीजें इसमें कवरेज होगी। 50 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और इस दौरान
इन टेस्ट जो फुल एंड टेस्ट होंगे इनके वीडियो एक्सप्लेनेशन होंगी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्टिविटी है, वीडियो एक्सप्लेनेशन। आमतौर पे किसी भी कोचिंग सेंटर में आपने कभी वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखे होंगे, आप 50 टेस्ट भी नहीं देखे होंगे, लेकिन पिनेकल जो एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग सेंटर है इससे रिलेटेड, वो आपको हर क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेन करेगा, जिससे आपको अगर कोई डाउट है तो वो उसी टाइम में खत्म हो। और अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो इसका मतलब आप टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जब आप टेस्ट करते हैं, वीडियो देखना शायद आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाए, क्योंकि वीडियो सिर्फ आप एक तरफा देख रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी तरफ से इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब टेस्ट दे रहे हैं। जब आप टेस्ट दे रहे हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं, खेल रहे हैं, सिर्फ टीवी देखकर कोई क्रिकेट चैंपियन नहीं बन सकता, सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर बनना है तो मैदान में आकर बैटिंग करनी पड़ेगी, बॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको मैदान में ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सिमिलरली ये मैदान में परफॉर्मेंस देने वाली बात है, और मैदान में ही अगर आपकी गलत परफॉर्मेंस आ रही है तो वीडियो देखिए, इसको आप करेक्ट कीजिए। मास्टर स्ट्रोक फॉर SSC सीजीएल 2017, जो स्टूडेंट 2017 के लिए तैयारी कर रहे हैं SSC सीजीएल के लिए, उनके लिए एक रिहर्सल होगी। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें सिलेक्शन SSC सीजीएल से इतना आसान नहीं होता। बेसिक से ये प्लस टू पे है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सीजीएल क्वालिफाई कर देते हैं, प्लस टू वाला क्वालिफाई नहीं कर पाते, ये हकीकत है। हकीकत का सामना कीजिए। और जो लोग SSC सीजीएल 2017 की तैयारी करना चाहते हैं, 18 की तैयारी करना चाहते हैं, 19 की तैयारी करना चाहते हैं, वो 100% बहुत गंभीरता के साथ इस एग्जाम को दे, तैयारी करके दें, जिससे कि वो अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए, और अगर खामियां हैं तो दूर करें, और अगर आपकी नौकरी लगती है जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो अगले 2-3 साल में जो SSC सीजीएल वाले को पहुंचना था वहां पे आप प्रमोशन से भी पहुंच सकते हो। तो बेटर ये है कि आप कम उम्र में, जो स्टूडेंट प्लस टू बिल्कुल तैयार करके आए हैं और वो जिनकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है, अगर वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो मुझे लगता है जब तक वो ग्रेजुएशन करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं ग्रेजुएशन, जब तक वो ग्रेजुएशन करेंगे तो वो सीजीएल वाले जो स्टूडेंट था ज्वाइन करेंगे उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, उससे आगे भी निकल सकते हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि जब आप SSC सीजीएल की जॉब ज्वाइन करते हैं तो रिटायरमेंट कम उम्र में करते हैं, रिटायरमेंट और परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो रिटायरमेंट आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी तक हो सकती है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब हुआ कि आपका जो IAS कैंडिडेट होते हैं उनको भी काफी टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में, उस रेंज तक भी आप पहुंच सकते हैं प्रमोशन के माध्यम से। मास्टर स्ट्रोक फॉर SSC सीजीएल 2017, तो मेरा ये सीधा मैसेज कि सारे लोग इसको एग्जाम को जरूर दें जो SSC सीजीएल 2017 के लिए इसमें अप्लाई करेंगे, वो जरूर इसमें CSSL में भी अप्लाई करें। गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जब आप लोग ये तैयारी करेंगे। अगर जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम जो भी पॉसिबल गाइडेंस होगा कि कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करें, किस अगर कम नंबर आ रहे हैं तो कैसे इंप्रूव कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग उसको बताने की कोशिश करेंगे सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल वे में। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कई बार दिमाग में आता है, और स्टूडेंट एक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। कई लोगों का ये मानना होता है कि मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा, वो कर सकते हैं खुद, वो अपने बाल काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं खुद, वो खाना बना सकते हैं खुद, वो कपड़े धो सकते हैं खुद, वो मेडिकल उपचार भी कर सकते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, वो बाल कटवाने के लिए उसके सैलून में क्यों जाते हैं, खाना खाने के लिए ढाबे में क्यों जाते हैं, होटल में क्यों जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो चीज जिनको करनी है वो एक बेटर ढंग से कर सकते हैं। तो सिमिलरली जब कोचिंग वाले आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं या एक्सपर्ट कोचिंग दे सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं आपके साथ में और गाइडेंस दे सकते हैं, तो जो चीजें वो कई सालों से कर रहे हैं अगर आपको कम टाइम में वो प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कर्व बहुत छोटा हो जाता है, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने दम पे करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप खुद कटिंग करेंगे अपने बालों की, काट सकते हैं लेकिन किस ढंग से कटेंगे आप खुद जानते हैं, तो सिमिलरली कोचिंग का भी यही पैटर्न होगा। हाउ टू ज्वाइन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जो बशोर CSSL प्लस टू का ज्वाइन करने में, तो आप इस वेबसाइट पर जाइए SSCCGIL.com जो हमारी वेबसाइट है, और वहां पे आपको ये चीज नजर आएगी, ऐसे इस पे आप क्लिक कीजिए, ये ज्वाइन कीजिए।
या आप ये ज्वाइन कीजिए एसएससी सीजीएल 2016 एंड 17। जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं वो हमारा कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो सीएसएसएल प्लस टू हो या जो विषय टायर टू हो या जो विषय टायर थ्री हो या कोई भी अगर हम लॉन्च करते हैं अगले दो साल में, वो सब इसका हिस्सा बनते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है हमारा, ये फ्लेक्सी प्रोग्राम है, ये फ्लेक्सी प्रोग्राम है मतलब कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत ही हम लोग सभी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो विषय टायर वन टायर टू टायर थ्री या सीएचएस वगैरह सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये ज्वाइन कीजिए तो सारी चीज ज्वाइन होगी। और सीएचएसएल ज्वाइन करते हैं 10 प्लस टू वाला, ये टायर वन के लिए अप्लीकेबल है, टायर वन टायर टू के लिए अलग से जो विषय सीएचएसएल आएगा। तो ऑब्वियसली जो ये फीस नजर आ रही है उसको वो टायर वन से रिलेटेड होगी। और अगर ये ज्वाइन करते हैं इसकी कोर्स 7000 है, यहाँ पे 7000 रुपीज, तो उसमें सारी चीज कवर है। ये काफी सस्ता प्रोग्राम आपको लगेगा अगर आप इसके पूरे बेनिफिट देखेंगे तो, बहुत ही हाईली हाईली रिड्यूस्ड प्राइस इसका है। हम इसके पीछे ये स्टोरी होती है कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें एक आईडी में ही सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कम रिसोर्सिस में हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं, जबकि यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट में अलग अलग जब लॉन्च करते हैं रिसोर्सिस ज्यादा लगते हैं। कोर्सेज एट पिनेकल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये हमारा फ्लेक्सी प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ही सारे प्रोडक्ट आते हैं, या ये प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही है, बस फर्क ये होगा ये हार्ड ड्राइव में होगा और ये आपको हार्ड ड्राइव नहीं मिलेगी, इसमें आपको ईमेल के जरिए गूगल ड्राइव के जरिए बाकी कंटेंट हर रोज अपडेट होंगे वो मिलेंगे। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत इमीडिएटली 900 या 1000 के आसपास जो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हैं वो मिलेंगे दोनों में, और जो भी आगे बनेंगे दो साल में दोनों में ही वीडियो बनेंगे, मतलब कि लगभग 2000 वीडियो लेक्चर्स के का स्टॉक आपके पास होगा। जो बशोर टायर टू जैसे अभी चल रहा है, जो बशोर टायर टू उसकी फीस 6000 है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जो टायर टू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो बशोर थ्री आएगा, जो बशोर सीएचएसएल टायर वन, ये अभी जो अभी डिस्कस चल रहा है इसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उस प्रोग्राम की बात हो रही है। उसके अलावा टायर टू टेस्ट सीरीज होगी, वीडियो एक्सप्लेनेशन जिस जो आप बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ये प्रोग्राम 3000। उसके अलावा 80 टेस्ट, अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हैं टायर टू की टेस्ट सीरीज, 80 टेस्ट इंडिया मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट जो प्रोग्राम है इतने ज्यादा लेक्चर्स, हर चीज को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो इसके अंतर्गत हमेशा होगी। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल अभी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो सीजीएल के लिए भी यूज कर सकते हैं, सीएचएसएल के भी कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सिलेबस और क्वेश्चन का लेवल दोनों का सेम होता है सीएचएसएल का। फर्क क्या होता है कि कौन अपियर हो रहा है, किसकी एलिजिबिलिटी कितनी है और कितनी स्टेजेस में एग्जाम होगा, उस पर फर्क होता है। तो टायर वन चाहे वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, उनकी टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होगी विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, और एक है विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन। विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन में पीडीएफ क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ सॉल्यूशन होता है, और जो विद वीडियो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होती है, पीडीएफ क्वेश्चन पेपर होता है, पीडीएफ सॉल्यूशन भी होता है, सारी चीजें विद वीडियो के साथ में होती है। उसके साथ टायर थ्री अभी जो स्टार्ट होने वाला है उसकी भी टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी, और टायर थ्री विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होगा। उसके अलावा जो पेपर फोर है कंप्लीट कोर्स, जिसमें AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर इसकी टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ये करना है। इसके अलावा 80 प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, आप अगर हमारी वेबसाइट पे देखेंगे जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड या सीजीएल से रिलेटेड है, अगर आपको कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट चाहिए तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब ये जॉब शोर या इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होने की वजह से उसमें कॉस्ट कम हो जाती है, तो वो आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको टोटल ओवरऑल सस्ता नजर आएगा, क्योंकि इसमें आईडी जनरेशन, क्योंकि टेस्ट पोर्टल में हमारा जो थर्ड पार्टनर के साथ में जो रिलेशन होता है सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में, वो आईडी पे होता है, नंबर ऑफ टेस्ट पे नहीं होता। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोग्राम होता है वो आपको ज्यादा फायदेमंद नजर आएगा, ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो आपको काफी सस्ता नजर आता है। क्योंकि जैसे अगर जो विषय ही सिर्फ इंग्लिश का बनाना हो तो भी उसकी इतनी कॉस्ट आनी है 6000, और मैथ और इंग्लिश की करनी है तो भी इतनी आएगी। तो बेटर यही है कि आप कंप्लीट ज्वाइन कीजिए, आपको सस्ते में ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा।
इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष बोलता हूँ, जो लोग 2017 SSC CHSL, एक्चुअल में ऑफिशियली ये 2016 है लेकिन ये तैयारी एग्जाम होगा 2017 में, और SSC CGL है इसका भी अब आभास हो चुका है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको जो इसकी तैयारी है वो CGL की तैयारी की तरफ ले जा रही है। तो CGL 2017 और CHSL 2016 इन दोनों के लिए आपको मेरी तरफ से पिनेकल की टीम से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें और नए साल में, अगले साल है, आपकी जॉब है वो 100% लगे, और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ, ये प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं, मतलब कि मैं फ्यूचर इनकम टैक्स कमिश्नर को रिप्रेजेंट कर को ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उनको उस नज़र में आपको देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।